आजम खान अपराधी लेकिन अनुप्रिया पटेल नहीं। सपा नेता ने पूछा बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से सवाल। आजम खान को मिली सजा तो फिर अनुप्रिया को क्यों नहीं? गलत शपथ पत्र पर सिर्फ सपा नेता ही होते हैं गुनहगार। बीजेपी के घटक दलों के नेताओं के कसूर माफ क्यों? सपा नेता के सवालों से फिर मची सियासी सनसनी। मोदी कैबिनेट में आज उत्तर प्रदेश से तमाम चेहरों को शामिल किया गया, जिनको लेकर लगातार सुर्खियां बनती रहीं। लेकिन सबसे ज्यादा सुर्खियां तब बनी जब अपना दल की सांसद और केंद्रीय मंत्री बनी अनुप्रिया पटेल को लेकर सपा के नेता आईपी सिंह ने एक ट्वीट किया और ट्वीट कर सपा नेता ने सवाल दागा कि गलत शपथ पत्र देने पर आजम खान को जेल हो सकती है तो फिर अनुप्रिया पटेल को अब तक सजा का ऐलान क्यों नहीं किया गया? क्यों अनुप्रिया पटेल को अब केंद्र में मंत्री पद दिया गया? बताएंगे कि सपा नेता आईपी सिंह ने इसका तर्क क्या दिया, लेकिन पहले ट्वीट देखिए जिसमें उन्होंने तमाम सवाल उठाए। आईपी सिंह ने एक खबर को साझा करते हुए ट्वीट किया और लिखा कि अगर सपा विधायक श्री अब्दुल्ला आजम की सदस्यता जा सकती है फिर गलत शपथ पत्र पर इनकी क्यों नहीं? बीजेपी अपने सहयोगियों पर मेहरबान है, सहयोगियों का भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार नहीं है और विपक्ष के नेताओं पर झूठा भ्रष्टाचार बहुत बड़ा होता है, आखिर ये दोहरी नीति कब तक? दरअसल सांसद और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के खिलाफ हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई गई है। याचिका में अनुप्रिया पटेल और उनके पति की सदस्यता को रद्द करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मानवेंद्र कुर्मी का कहना है कि अनुप्रिया पटेल जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और पिछड़ों की स्वयं घोषित नेता हैं, वो पिछड़े वर्ग को गुमराह करके लगातार उनके जनाधार का गलत इस्तेमाल कर रही हैं। मानवेंद्र कुर्मी ने बताया कि उनके द्वारा निर्वाचन आयोग और प्रधानमंत्री कार्यालय को कई गलत जानकारियां दी गई हैं। ऐसे में याचिका में मांग की गई है कि उनके निर्वाचन को तत्काल रद्द कर दिया जाए और इनके ऊपर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की जाए, साथ ही इनके पति के आय से अधिक संपत्ति और बेनामी संपत्ति की भी जांच करवाई जाए। इनके द्वारा पहले ट्रस्ट के माध्यम से कई ऐसे लेनदेन किए गए जिनकी जांच कराई जानी जरूरी है। इनके नाम और कई इनके सहयोगियों के नाम पर बेमानी संपत्तियां दर्ज हैं। इन सब की जांच करवाई जाए और इनके द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय को जिस तरीके से गुमराह किया गया है उसकी भी जांच होनी चाहिए। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अपने सहयोगी दलों पर मेहरबान होने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कहा गया है कि जब समाजवादी पार्टी के स्वार विधायक अब्दुल्ला आजम की गलत शपथ पत्र के चलते सदस्यता रद्द कर दी गई, तो क्या अनुप्रिया पटेल की सदस्यता बची रहेगी? इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। देखना यह होगा कि बीजेपी अपने सहयोगी दल के नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई होने देगी या नहीं। हालांकि कार्रवाई की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन इस बीच अनुप्रिया पटेल को केंद्र में मंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई। ऐसे में सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी दोहरा रवैया अपना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।